मैं वीवी के सारे असाइनमेंट जो फाइल में हैं वो एक्सप्लेन करके वीडियो बना के भेज रहा हूँ, ठीक है। ये पहला पहला असाइनमेंट नंबर 1 है, क्वेश्चन फाइल में देख लेना। इसमें पूछा है कि राइट ए वीवी प्रोग्राम टू फाइंड आउट ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 100। ट्विन प्राइम नंबर्स आर डिफाइंड टू बी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स विच आर प्राइम एक्सेप्ट इनपुट थ्रू टेक्स्ट बॉक्स एंड डिस्प्ले रिजल्ट ऑन फॉर्म। मतलब कि इसमें बोला है कि जो भी ट्विन प्राइम नंबर्स है 10 to 100 के बिटवीन बीच में, उसको डिस्प्ले करना है फॉर्म के अंदर, डिस्प्ले करना है, ये ध्यान रखना। तो हमें क्या बोला है, एक्सेप्ट इनपुट थ्रू टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम लोग को इनपुट लेना है। तो एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेना, ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। उसके बाद क्या बोला है, एंड डिस्प्ले रिजल्ट ऑन फॉर्म। तो हमें फॉर्म के लिए कोई टेक्स्ट मतलब डिस्प्ले के लिए कोई दूसरा टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेना है, फॉर्म के अंदर ही हम लोग को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो हम लोग एक कमांड बटन ले लेंगे, इसका नाम दे देना ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। इसके अंदर कोडिंग लिखेंगे। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ये बाद में समझा दूंगा क्या किया मैंने, ठीक है। इसमें एक स्पेस छोड़ देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले डिज़ाइन व्यू पे जाना है, टेक्स्ट बॉक्स हटा देना, टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेना, ठीक है। अब टेक्स्ट बॉक्स के लिए बोला है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स अपने फाइल के हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो एरर आ रहा है, तो टेक्स्ट बॉक्स हटा देना। सिर्फ कमांड बटन पे कोडिंग किया है, ठीक है। तो कमांड बटन के अंदर लिखना है, पहले लिखना डिम ए ऑफ 20। ए ऑफ 20 क्या है, एरे है, ठीक है। तो ए ऑफ 20 लिख देना। तो पहले लिखना डिम ए ऑफ 20 एस इंटीजर, ये एक एरे है, ठीक है, ए ऑफ 20 का एरे है। पहले ये डिक्लेयर कर देना। उसके बाद कमांड बटन के अंदर आई इक्वल्स टू 10। अब 10 क्यों, तो 10 हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 10 से लेके 100, इसलिए आई 10 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू 10 कर देना। उसके बाद टी इक्वल्स टू 0, ये पहले लिख लेना, टी इक्वल्स टू 0 कर देना, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे वाइल, वाइल कंडीशन चेक करेंगे, आई आई इसमें चेक करेंगे कि आई लेस देन 100 है कि नहीं, ठीक है। और आए हम लोग ने क्या दिया, 10, मतलब कि यहाँ पे अभी 10 होगा, ठीक है। 10 लेस देन 100 है, ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो जे इक्वल्स टू 1 कर देंगे, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल, पन यहाँ जो फाइल में दिया है वही लेना, ठीक है। तो जे इक्वल्स टू 1 कर देंगे और के इक्वल्स टू 0 कर देंगे, ठीक है। अगर आई लेस देन 100 हुआ तो ये कंडीशन कर देंगे, ठीक है, जे इक्वल्स टू 1 और के इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद फिर एक वाइल कंडीशन चेक करेंगे, वाइल में क्या चेक करेंगे कि जे लेस देन आई है कि नहीं। अब पहले हम लोग ने क्या चेक किया, पहले हम लोग ने चेक किया कि आई लेस देन 100 है कि नहीं। उसके बाद चेक करना है जे लेस देन आई है कि नहीं। आई में क्या है, 10 है, ठीक है, और जे में क्या है, 1 है। 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ आई मोर जे इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आई की वैल्यू क्या है, 10 है, और जे की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर इन दोनों का मोड करेंगे तो
तो जीरो आया, अगर जीरो है तो के इक्वल्स टू के प्लस वन करेंगे, जो हम लोग का के जीरो है उसको बढ़ा देंगे वन से, ठीक है, तो मतलब के प्लस वन करेंगे। अगर आई मोड जे जे इक्वल्स टू जीरो होगा तो, अगर नहीं है तो अगर हुआ तो के प्लस वन होगा, उसके बाद इफ कंडीशन जो हम लोग ने लगाई है ये वाली एंड कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो इफ के बाद वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि ये वाला, मतलब कि उसके बाद होगा जे इक्वल्स टू जे प्लस वन। अगर आई मोड जे जीरो है तो के प्लस वन होगा, अगर नहीं है तो जे प्लस वन होगा। जे की वैल्यू क्या है, टू है, वन है, तो अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो जे की वैल्यू टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेंड डब्ल्यू एंड, ये क्यों, क्योंकि हम लोग ने वाइल लिया था तो वाइल यहाँ पे एंड करना है, ठीक है, वाइल को एंड कर दिया। उसके बाद इफ कंडीशन चेक करेंगे ये तो, उसके बाद इफ कंडीशन हम लोग ये चेक करेंगे कि के इक्वल्स टू टू है कि नहीं। अगर के इक्वल्स टू टू है तो हम लोग ए ऑफ टी, ए ऑफ एरे के अंदर टी को असाइन कर देंगे, ठीक है। ए ऑफ एरे था तो एरे के अंदर हम लोग ने टी वेरिएबल जो था यहाँ पे लिया था टी इक्वल्स टू जीरो, उसको असाइन कर दिया और इक्वल्स टू आई कर दिया, मतलब कि आई की जो वैल्यू है वो टी में चली गई अभी, ठीक है। आई में जो भी वैल्यू थी वो टी में चली गई, और यहाँ पे टी को वन से इंक्रीज कर दिया, मतलब आई में वैल्यू क्या थी पहले, टेन थी, तो टेन इक्वल्स टू टेन प्लस वन यानी इलेवन हो गया। उसके बाद इफ कंडीशन बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, तो आई की वैल्यू क्या थी, अगर ये के इक्वल्स टू टू हुआ तो ये कंडीशन होगा, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो डायरेक्टली आई की वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या थी, टेन थी, टेन इक्वल्स टू टेन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है इसमें। उसके बाद वाइल को एंड कर दिया, उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप में क्या है, आई इक्वल्स टू जीरो से चलाएंगे टी माइनस टू, मतलब कि टी वेरिएबल में जो भी होगा माइनस टू से तक चलाएंगे, मतलब माइनस टू तक चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद कंडीशन चेक होगा ए ऑफ आई प्लस वन, मतलब कि आई की वैल्यू जो भी है प्लस वन माइनस ए ऑफ आई, ए ऑफ आई के अंदर जो वैल्यू है इक्वल्स टू टू हुआ तो हम लोग प्रिंट कर देंगे ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस वन को, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, इन दोनों के अंदर डेटा स्टोर है, ठीक है। अगर इन दोनों को माइनस करने पे आंसर टू होता है, ठीक है, तो हम इन दोनों को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद एंड इफ, इफ कंडीशन बंद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आई, अब नेक्स्ट आई क्यों लगाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट लगाते हैं, आई नहीं लगाते, ठीक है। आई क्यों लगाया मैं बताता हूँ, पर नेक्स्ट लगाते क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे फॉर कंडीशन दिया है, और फॉर लगता है ना तो उसको एंड करने के लिए नेक्स्ट होता है, जैसे वाइल को एंड करने के लिए वेंड होता है डब्ल्यू एंड, और इफ को एंड करने के लिए एंड इफ होता है, वैसे फॉर को एंड करने के लिए नेक्स्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट के बाद आई लिखा है तो मतलब कि ये एक कंडीशन होगा, मतलब कि टेन पहले टेन चेक होगा, टेन 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 ऐसे चेक होते होते उसके बाद नेक्स्ट आई है, ठीक है। पूरा कंडीशन एक बार हो गया, एक बार लूप में चला, दूसरे बार फिर आई में जाएगा, मतलब कि इधर जाएगा, और यहाँ पे टेन की जगह इलेवन हो जाएगा, मतलब एक एक बढ़ते जाएगा वो, ठीक है। तो वैसे ही मतलब पूरा चेक करेगा, टेन से लेके हंड्रेड के बीच में चेक होगा, और जितने भी मतलब ट्विन प्राइम नंबर आएंगे सारे के सारे यहाँ पे आउटपुट होगा। और यहाँ पे अगर मैसेज बॉक्स में प्रिंट डिस्प्ले करने बोलता तो इसको हटा के मैसेज बॉक्स और ये डबल कोट्स के अंदर डाल देते तो मैसेज बॉक्स में प्रिंट होता है, दिखाता हूँ। अभी मतलब फॉर्म में प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट लिखना है, ये मेन है, ठीक है, सिंटेक्स याद रखना।
अगर मैसेज बॉक्स बोला होता तो मैसेज बॉक्स लिखते हैं डबल कोट्स, फिर ये भी डबल कोट्स, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। अब ये मैसेज बॉक्स के अंदर ये प्रिंट किया, ठीक है। तो ऐसे मैसेज बॉक्स में प्रिंट होता है, ठीक है। अगर वैल्यू होता ना तो वैल लिख के कर देते तो वैल्यू आ जाती उसकी। तो अभी हम लोग को तो बोला नहीं है तो ये वाला करेंगे, ठीक है। तो प्रिंट होता है फॉर्म में प्रिंट करने के लिए, तो देख लेना एक बार। जैसे क्लिक करेंगे ये फॉर्म के अंदर ही प्रिंट हुआ। 10 से लेके 100 के बीच में जितने थे उतने आ गए, ठीक है। अब 10 से लेके यहाँ पे 1000 करके लिखते हैं। अच्छा ये कंडीशन, हाँ यहाँ पे हम लोग को 1000 करना पड़ेगा। हम लोग ने 20 लिया था, मतलब कि 2 डिजिट। तो अभी हम लोग को यहाँ पे 1000 कर दिया है, तो 1000 के बीच में चाहिए, तो वहाँ पे एरे का साइज हम लोग को बढ़ा देना पड़ेगा। जैसे एरे का साइज बढ़ाया, देख देखो यहाँ पे सारे के सारे आ गए, ठीक है। तो जितना भी बोला है ना एरे का साइज बढ़ा देना, उसके बाद जितना बोला है उतना लिख देना। यहाँ पे अभी तो 10 से 100 ही बोला है। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, एरे लिख के वैल्यू नहीं देने का, ठीक है। वैल्यू नहीं देंगे ना तो ऑटोमेटिक ले लेगा, जितना भी डालोगे उतना ले लेगा। खाली डीम ए एस इंटीजर कर देना,